Welcome viewers and listeners, in this video we are learning the use of preposition in sentences. So let's have a look on the words ki hum kahan par in use karenge, on, at, into, in. The first line is the pencil is on the table. To hum ye bhi keh sakte hain ki the book is on the table, the notebook is on the table, pencil मेज पर है, ये इस लाइन का मीनिंग है. द नेक्स्ट लाइन इज द पेन इज एट द सीट, चपरासी सीट पर बैठा है. तो हम ये भी कह सकते हैं कि द गार्ड इज एट द सीट, द क्लर्क इज एट द सीट, राइट. नेक्स्ट है विल सी यू एट पार्क, हम आपको पार्क में मिलेंगे. विल सी यू एट होम, विल सी यू एट एनी प्लेस. तो हम इसमें प्लेसेस के साथ जब हम बात करते हैं तो हम ये वर्ड यूज़ करेंगे. नेक्स्ट इज सारा इज़ कमिंग इन टू द रूम, सारा कमरे में आ रही है. इन टू द रूम, जब हम रूम की बात करेंगे और इसी तरह जब हम हाउस की बात करेंगे. लेट्स सी के नेक्स्ट वर्ड में हम हाउस यूज़ करें. शी वेंट इन टू हर हाउस, वो अपने मकान के अंदर गई. तो हमने रूम के साथ भी इनटू लगाया है और हमने हाउस के साथ भी इनटू का वर्ड ही यूज़ करना है. तो जब हम किसी चीज़ के अंदर जाने की बात करते हैं तो हम उसके लिए इनटू का वर्ड यूज़ करते हैं. देयर इज़ अ लिटिल जूस इन द ग्लास, ग्लास में थोड़ा सा जूस है, इसमें हमने इन लगाया है. इन द ग्लास इसी तरह हम कह सकते हैं देयर इज़ अ लिटिल मिल्क इन द ग्लास. नेक्स्ट इज ब्रदर इज़ स्टैंडिंग एट द डोर, तो डोर के लिए हमने यूज़ करना है एट का वर्ड, क्योंकि हम दरवाज़े के अंदर तो जा नहीं सकते हैं, तो भाई जो है वो दरवाजे पर खड़ा है. द बॉय फेल इन टू द रिवर, रिवर के अंदर हम जा सकते हैं. लड़का दरिया में गिर गया, तो दरिया के हमें अंदर जाना होता है गिरने के लिए या तैरने के लिए, तो हम उसके लिए इन टू का वर्ड यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज वी कट द पिज़्ज़ा इन टू सिक्स पीसेस, हमने पिज्ज़े को छः हिस्सों में काटा. पिज्ज़े को काटने के लिए भी हमें उसके डीप उसके अंदर तक कट करना होता है, तो उसके लिए भी हम इन टू का वर्ड यूज़ करेंगे. पुट द ब्रेड ओवर देयर, डबल रोटी को वहाँ रखो. ओवर हेयर, ओवर देयर, इस तरह हम जब किसी चीज़ को रखने की बात करते हैं तो हम उसके साथ पुट ओवर हेयर, पुट ओवर देयर, इस तरह के वर्ड यूज़ कर सकते हैं. शी पुट द फ्लावर्स बाय द विंडो, उसने घड़ी के पास फूल रखे. तो जब हम किसी चीज़ के पास कुछ रखते हैं बाय द विंडो, तो हम उसके लिए बाय का वर्ड यूज़ करते हैं. द लायन वाज किल्ड बाय द हंटर, शेर शिकारी से मारा गया, या शेर को शिकारी ने मार दिया. आई फिल्ड द बॉटल विद जूस, यहाँ पर आया है विद, बोतल को किस चीज़ से भरा है, जूस से भरा है. तो अगर दूध से भी भरना है तो हम कहेंगे बॉटल फिल्ड विद मिल्क. नेक्स्ट इज वी लिव इन इस्तांबुल विच इज़ इन टर्की, हम इस्तांबुल में रहते हैं जो तुर्किया में है. तो नेक्स्ट आप ये भी कह सकते हैं वी लिव इन लाहौर विच इज़ इन पाकिस्तान, वी लिव इन कराची विच इज़ इन पाकिस्तान. नेक्स्ट इज ही लिव्स नियर हिज स्कूल, वो अपने स्कूल के करीब रहता है. ही लिव्स नियर हिज हाउस, सॉरी ही लिव्स नियर हिज ऑफिस और नियर हिज कॉलेज. तो इस तरह से हम जब हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये किस जगह पर कौन सी प्रपोजिशन यूज़ होती है, तो हम नए से नए वर्ड्स को खुद क्रिएट कर सकेंगे. So I wish you a happy life to all my viewers and subscribers. I hope कि आपको अच्छे से समझ आई होगी लेसन की, तो इसको अच्छे से लर्न कर लें. इसको आप 3-4 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी. So वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें. टेक केयर एंड गुड बाय.